हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी दर्शकों। जैसा कि सभी जानते हैं नवरात्रि का अंतिम दिन आने वाला है, यानी कि इस बार नवरात्रि का अंतिम दिन 30 मार्च को पड़ेगा। ऐसे में गुरुदेव द्वारा विशेष उपाय हैं, इन उपायों को करना बिल्कुल न भूलें। चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन 30 मार्च दिन गुरुवार को है। इस दिन महानवमी और रामनवमी है। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना की जाती है और इस दिन कन्या पूजन का भी विधान होता है। इसमें कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराया जाता है। इसके बाद यथाशक्ति तथा भक्ति के भाव से कन्याओं को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती है। इसके बाद पूजा सम्पन्न होती है। जो साधक माँ को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन तक सच्ची श्रद्धा और सेवा से भक्ति करती है, इसके लिए कलश स्थापित अपना तो करते हैं और अखंड ज्योति भी जलाते हैं, तो सनातन शास्त्रों में नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने को शुभ माना गया है। अखंड ज्योति जलाने से घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि घर में सुख और समृद्धि बनी रहे तो महानवमी के दिन ये आसान से उपाय करना बिल्कुल न भूलें। अखंड ज्योति को शुभ माना जाता है। साधक माँ को प्रसन्न करने के लिए जौ, चावल, तिल आदि चीजें भी संकल्प में रखते हैं। इन अनाजों को लाल रंग के वस्त्र में बांध कर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है, साथ ही घर में धन का आगमन होता है। कई बार अखंड ज्योति की बत्ती बाकी रह जाती है, यानी कि अधजली रह जाती है। ऐसा होने पर बत्ती को पूर्णतः जलने दें और जब तक ज्योति खुद से बुझ जाए तब तक उसको जलने दें। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति का बुझना शुभ नहीं माना जाता है, तो इसलिए बत्ती को पूर्ण जलने दें और जो भक्त अपनी मन वांछित इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं वे नवरात्रि के अंतिम दिन माता रानी को लाल रंग के फूलों का एक हार अवश्य भेंट करें, यानी कि समर्पित करें, क्योंकि माता रानी को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। साथ ही अपनी मन वांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप माता रानी को 9 लाल रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं और अपनी मन वांछित इच्छा को बोलकर माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा करने से माता रानी आपकी सभी जो भी समस्याएं होती हैं उनको दूर कर आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करती हैं। साथ ही सुहागिन महिलाएं नवरात्रि के दौरान सुहागिन स्त्रियों को जो श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं वे अवश्य अर्पित करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर सकती हैं, जैसा आपके ऊपर संभव हो। यानी अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नवरात्रि के दौरान माता रानी को लाल रंग के 9 फूल अर्पित करें या फिर एक लाल रंग की माला अर्पित करें, क्योंकि माता रानी को लाल रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। सुहागिन स्त्रियां नवरात्रि के अंतिम दिन किसी भी सुहागिन स्त्री या फिर ब्राह्मण को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें, यानी कि श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। और श्रृंगार की वस्तुओं में सभी सामग्री लाल रंग की होनी चाहिए, जैसे कि चूड़ियां, महावर, बिंदी और जो आप देना चाहती हैं वो सभी सामग्री लाल रंग की होनी चाहिए। दोस्तों अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इस दिन लाल रंग के 9 फूल माता रानी को अर्पित करें और उसके बाद माता रानी के सामने एक घी का दीप जलाएं और माता रानी से प्रार्थना करें कि आपकी मनवांछित इच्छाएं जो भी हैं वे पूर्ण हो जाएं और आपके जीवन में जो दुख संकट चल रहे हैं वे समाप्त हो जाएं और माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। धन से लेकर जो भी समस्याएं हों या नौकरी व्यापार में जो भी दिक्कतें आ रही हों वे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। साथ ही इस दिन जो सुहागिन महिलाएं हैं वे श्रृंगार की कुछ वस्तुएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर दूसरे सुहागिन महिलाओं को अर्पित करें। ये सुहागिन महिलाएं आप अपने घर में अपनी सास या ननद को भी दे सकती हैं या फिर आप किसी भी ब्राह्मणी को भी दे सकती हैं। साथ ही गुरुवार का दिन है तो विशेष दिन है, ऐसे में आप एक दीपक तुलसी के पास में जलाना बिल्कुल न भूलें। तुलसी के पास में शुद्ध गाय के घी से बना एक दीपक जलाएं और उस दीपक में आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। उम्मीद है आज की ये जानकारी बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ आई होगी। अगर जानकारी समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से अवश्य देख लें। अगर कोई भी जानकारी आपसे मिस हो जाती है तो उसको साथ ही साथ नोट करते रहें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें।